कांग्रेस पार्टी में सांसद के प्रत्याशी बड़े बड़े लठेत मना जागिने हैं। आप उनके बिलासपुर के भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी बड़ा लठे थे शायद ना, बड़ा लठबाजी के बात करते। आज परसों भूपेश बघेल राजनांदगांव से नॉमिनेशन फाइल करी और उस समय नामांकन रैली में यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष है वैसे मैं बहुत दिन से वाला जानता हूँ, बड़ा सरल व्यक्ति है लेकिन कांग्रेसिया मन के दिमाग इस समय खराब हो गई से। काबर की मला हार निश्चित दिखा थे, 5 साल धोखा दे के काम करीन और आगे मला जीते के उम्मीद नहीं दिखा थे। तो चरणदास महंत जैसे आदमी भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर कैसे शब्द के प्रयोग करी साहब मला मालूम है कि ये भूपेश बघेल ही नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ सकता है। ये कोई अच्छा बात है क्या? आज ऐसा चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है, आज एक जिम्मेदार व्यक्ति है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ओकरे लिए ऐसा सब कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए ना। लेकिन मन के हार दिखा थे और इसलिए मन के दिमाग के संतुलन बिगड़ गई से इसलिए कुछ भी बोलत है। तो एक मजा चखाना है कि नहीं? कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे कह दी कि कह दी? ये हमारे लिए अपमान है, हमारे सिर फोड़े की बात है और इसलिए कांग्रेस से अमल्ला मजा सा चखाना है।